श्री रैदास जी महाराज कभी गंगा स्नान को नहीं जाते थे, काशी में रहते हुए कभी गंगा स्नान को नहीं गए। एक बार किसी ने उनसे पूछा, बोले आप क्यों नहीं जाते गंगा स्नान को? तो हालांकि रैदास जी ने तो केवल उस व्यक्ति का मन रखने के लिए कह दिया कि भैया मन चंगा तो कठौती में गंगा। रैदास जी जाते किस लिए नहीं थे कि कहीं कहीं कोई वितंडावाद ना खड़ा हो जाए। रैदास जी जानते थे, ओछी हमरी जात है, ओछा कर्म हमारा, नीचे को प्रभु ऊंच कियो है, कह रैदास विचार, कह रैदास विचार, कि प्रभु जात भी ओछी कर्म भी ओछा, ओछा किसब हमारा, कि कहीं क्योंकि मैं तो ऐसे कुल में जन्मा हूं, जाकी छूत जगत को लागे, तापे तू ही ढरे, तू ढरे। एक एक प्रभु आप ही तो समर्थ है जिसको कोई छूत नहीं लगती, एक वो ही है। सबकी अपनी अपनी सीमा है, धर्म भी अपनी सीमा में खड़ा है, शास्त्र की पुराण की अपनी एक सीमा है, वो उसका अतिक्रमण नहीं कर सकते, वो उससे दो पग बाहर नहीं आ पाएंगे। आपके लिए आपके लिए आपके लिए दो पग चलकर कभी कोई आएगा तो वही आएगा, कोई नहीं आएगा। आपकी असमर्थता को देखते हुए, आपकी दुर्बलता पर दया करके कभी दो पग आगे बढ़कर आएगा तो वही आएगा। शास्त्र को आज्ञा नहीं है अपनी सीमा का त्याग करने की, वेद शास्त्र अपनी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ सकते, प्रभु आएंगे। आशा रख सजनी आएंगे, आशा रख सजनी आएंगे। इसीलिए कहने वाले ने खूब कहा कि इबादत एक मकाम तक ले जाती है, इबादत एक मकाम तक ले जाती है, आगे मोहब्बत रास्ता दिखाती है। प्रभु आते हैं, प्रभु आएंगे। तो रैदास जी सिर्फ इसीलिए गंगा स्नान को नहीं जाते थे कि कहीं कि मेरी छाया भी किसी काशी के पंडित से स्पर्श कर गई तो वितंडावाद खड़ा हो जाएगा। तो रैदास जी ने ऐसे ही उत्तर दे दिया कि भैया मन चंगा तो कठौती में गंगा। साधु बोले सहज सुभाव, साधु का कहा वृथा नहीं जा। और संसार ने देखा रैदास जी के उस कठौते से वो जल प्रकट हुआ। बड़ी सुंदर कथा है कि चमड़ा धो रहे थे रैदास जी और काशी नरेश रैदास जी का दर्शन करने के लिए आ पहुंचे, बड़ी श्रद्धा। अच्छा, इस कथा में मुझे एक और कथा दिखाई पड़ती है, इस कहानी में मुझे एक छिपा हुआ किस्सा दिखाई पड़ता है कि रैदास जी का दर्शन करने कौन आ रहा है? काशी नरेश, राजा दर्शन करने आ रहा है, अर्थात रैदास जी की प्रतिष्ठा संत के भक्त के रूप में हो चुकी है, तभी तो काशी नरेश दर्शन करने आ रहा है। पर रैदास जी ने अपना कर्म नहीं छोड़ा। दया राख धर्म को पाले, कर्म नहीं छोड़ा। सदन ने अपना कर्म नहीं छोड़ा, कबीर ने अपना कर्म नहीं छोड़ा, रैदास ने अपना कर्म नहीं छोड़ा। सीखिए, मैंने पहले भी कहा कि व्यापार छोड़कर एक और बैठ जाना अच्छा है, और छोड़कर बैठता भी कौन है साहब? एक व्यापार छूटता है तो दूसरा हाथ में आता है, और मुझे तो लगता है यहां कम से कम व्यापारी बनकर तो व्यापार करते हो, अच्छा है। हम जैसे लोग तो भक्त बनकर व्यापार करते हैं। हमारे व्यास जी कहते हैं कि अब हम हूं से भक्त कहां में, माला तिलक स्वांग धर, हरि को नाम बेच धन लावे। आप तो कम से कम वस्तु का व्यापार करते हो, हम तो श्रद्धा और विश्वास की दुकान लगाए बैठे हैं बाप। हम तो हरि नाम का व्यापार कर रहे हैं, हम तो भगवान की कथा को बेचने का व्यापार कर रहे हैं। आपका व्यापार बहुत अच्छा है, इसलिए मैं कहता हूं जहां हो वही रहना, जहां हो वही रहना। और ये बात आई है तो लगे हाथ कह ही दूं आपको कि महाराज महाराज के चक्कर में तो बिल्कुल मत पड़ना, बिल्कुल मत बनना। मीर कहता है इन मजहबी अमीरजादों से जरा कम मिला कर अमीर, हम भी गरीब हुए हैं इन्हीं की दौलत पाके, जीवन चला जाएगा हाथ से, हम भी गरीब हुए हैं इन्हीं की दौलत पाके।
और जितनी बार मुझे स्मरण आएगा उतनी बार, और कुछ नहीं। तो इस बार इस पंच दिवसीय भाव यज्ञ का एक प्रसाद तो मैं आपको देकर जाऊंगा कि आपके मन में ये बात बैठ जाए, इबादत कर, इबादत कर, इबादत देना किसे दी, आप करना, बात बनेगी। अगर आपकी बात नहीं बननी होती तो किसी के संकल्प ने आज आपको यहां लाकर नहीं बैठाया होता। कुछ और कर और सुन रहे होते आप, कुछ और कह सुन रहे होते, ना मैं यहां ये कहता ना आप यहां ये सुनते। आपकी बात ही तो बननी है, इसीलिए तो आपके लिए रास्ता खुला। कोई लाया आपको यहां पर, बांह पकड़ के आपकी, हटाकर संसार के प्रपंच और व्यवहार से। कल रात को मुझे एक दो लोगों ने बाहर से फोन करके पूछा, कथा कैसी हुई? तो मैंने कहा रोज 2.5 घंटा होती, कल 3 घंटा हुई। बोले सो कैसे? मैंने कहा मुझे लगता है कि मुझसे तो लोगों ने कहा, बोले कल बहुत आनंद आया और आपको देखकर ऐसा लग भी रहा था। और खैर, मैं बहुत हृदय से ये बात कह रहा हूं कि मैं सौभाग्यशाली भी हूं और कृपा पात्र भी हूं कि कहते सुनते तो बहुत लोग हैं, पर आप जैसे सुनने वाले कुछ लोगों का मिलना ये मेरे जीवन की बड़ी उपलब्धि है। आपके भाव को, आपकी श्रद्धा को और श्रवण के प्रति आपका जो आदर है, आपकी जो लालसा है, उसको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ मैं। आशीर्वाद देने योग्य तो नहीं हूँ, पर आपको शुभकामना मेरी अवश्य है और बड़ी हृदय से आपके आपके लिए मेरी शुभकामना है कि आपके जीवन में ये सत्संग का प्रवाह ऐसे ही बहता रहे। क्योंकि मैं जानता हूँ ये वो प्रवाह है जिसमें यदि जीव को बहना आ जाए, ये वो प्रवाह है जिसमें यदि जीव को बहना आ जाए तो वो आज नहीं तो कल पहुंचता वही है। जहां बिराजे राधा रानी, जहां बिराजे राधा रानी, अलबेली सजता कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। तो दया राख और धर्म को पाले। और एक और बात इसमें मैं जोड़ दूं कि प्रसन्न मन से करिएगा कर्म। वो कर्म आपको बांधने के लिए नहीं है। अगर कर्म जीव को बांधता तो भगवान जीव के हाथ में कर्म का अधिकार कभी ना दे दे। जो गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते, एक माँ कभी जलता हुआ अंगारा उठाकर अपने बालक के हाथ में दे सकती है? एक माँ कभी विषैला सर्प अपने बालक के हाथ में देगी उसे खेलने के लिए, जब वो जानती है कि इसका अहित करेगा? अगर कर्म से अहित होता तो श्री कृष्ण जीव को कर्म करने का अधिकार क्यों देते? कर्म बांधता नहीं, मूढ़ता बांधती है, मूढ़ता बांधती है, कामना बांधती है, वासना बांधती है, कर्म नहीं बांधता। कर्म ही तो धर्म बनता है। बहुत ध्यान से आज चिंतन करना अगर आपको समय मिले तो। आपके मेरे जीवन में शब्द ही उल्टा है, धर्म कर्म, वो शब्द ही ठीक नहीं है। आपने और मैंने धर्म को कर्म बनाया, कर्म धर्म बने, कर्म धर्म बने। 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 आया और महाराज को उसकी उसका सुमिरन हुआ और 13, 13, 13 सब कुछ तेरा। व्यापार धर्म बन गया, सब कुछ तेरा। तेरा तुझको सौंपते, लाइफ इज एक्सटेसी, लाइफ इज एक्सटेसी। इफ यू कैन लिव योर लाइफ ऑन दिस हम्बल नोट, इट इज एक्सटेसी, आनंद। जीवन विरोध नहीं है, जीवन तो आनंद है, जीवन द्वंद नहीं है, जीवन प्रसाद है।
ये जो जीवन मिला आपको, मुझे द्वंद नहीं है, ये प्रसाद है। इसीलिए तो पूछता हूँ आपसे बार बार कि क्या बूढ़े होकर, बीमार होकर, भय और रोग से ग्रस्त होकर मर जाने के लिए आए हैं आप और मैं यहाँ? क्या बस यही जीवन की उपलब्धि होगी कि रोग ग्रस्त, जरा ग्रस्त होकर और भय ग्रस्त होकर मर जाए? अभाव, अपूर्णता, ये बोझ लेकर यहां से चले जाए? क्या केवल इसलिए ये जीवन मिला है? नहीं, द्वंद नहीं है जीवन, प्रसाद है, विरोध नहीं है, आनंद है, विरोध नहीं है। इसलिए वासना बांधती है, कामना बांधती है, और इन सब के मूल में अगर अभाव है, कई बार मैंने आप लोगों से चर्चा की कि कर्म के मूल में विचार है, विचार के मूल में संस्कार है, संस्कार के मूल में अविरल अस्थिर चेतना, और अस्थिर चेतना के मूल में बुद्ध पुरुष का, संत का अभाव है, साधु का अभाव है, सदगुरु का अभाव है। और बस वो सदगुरु मिला और बात बन गई। कल भी मैंने कहा ना, जले हुए दीपक और बुझे हुए दीपक के संयोग में कितनी देर लगती है? बस उतनी ही देर लगती है जब जीव सदगुरु की शरण में पहुंचे, सदगुरु समर्थ हो, जीव को समर्पण करना आता हो, अपने आप को सौंपना आता हो। आप और मैं उसमें भी छल करते हैं, कहां सौंपते हैं आप अपना मन अपने गुरु को? दी है कभी आपने गुरु दक्षिणा ऐसी अपने गुरु को कि गुरु की दीक्षा के बाद आपके मन में कोई संकल्प ना उठा हो? क्योंकि मन आपका है नहीं तो आप संकल्प क्यों करेंगे, कैसे करेंगे? ठोक पीट थाने रूप संवारो, सुघड़ बनायो जी। ठोक पीट थाने रूप संवारो, सुघड़ बनायो जी। धूल पड़ा का करथो में तो हो, थारी शरणी आयो। जचे जिस तरह नाच नचाओ, नाच नचाओ माने खेल खिलाओ, थे मन भायो जी नाथ थारी शरणी आयो जी। आपने कभी देखा हो नन्ना सा बालक अपने खिलौने के लिए माता पिता किसी से भी झगड़ पड़ता है, उसको खिलौना इतना प्रिय है। ऐसे जीव को यदि उसके हाथ का खिलौना बनना आ जाए तो जीव लाडला हो जाता है प्रभु का। यदि वो खिलौना बनने को तैयार हो जाए, इस बात के लिए तैयार हो जाए, जचे जिस तरह नाच नचाओ, नाच नचाओ माने खेल खिलाओ, भाई इनके साथ भी बजाया करो। जी।
थम जाओ जिस सरियारा थे अन भायो जी हो मुझसे किसी ने पूछा जीवन का उद्देश्य क्या है, तो पहले मैंने उत्तर दिया अपने स्वभाव के अनुरूप, जैसे मेरा स्वभाव है, मैंने कहा डाकिया बन जा। फिर मैंने उत्तर दिया अपने स्वरूप के अनुरूप कि जीवन का उद्देश्य खोजना ही जीवन का उद्देश्य है। उसने मुझसे पूछा व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ, तो फिर उसका अगला प्रश्न था कि कैसे खोजें जीवन का उद्देश्य। तो मैंने कहा आपके आसपास जो जीवन है उसका सम्मान करिए, यहां से आरंभ करिए। इट इज द डिटॉक्सिफिकेशन। संसार में रहते रहते जैसे मैंने कहा खिड़की खोली धूप भी आई धूल भी आई, ऐसे संसार में हमने द्वार खोले, आंख से संसार देखा, कान से संसार सुना, व्यवहार के लिए वो आवश्यक था, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अनचाहा भी आया, कुछ अवांछित भी भीतर आया। तो जैसे व्हाट यू डू देयर इज द प्रोसेस डस्टिंग एवरी डे, तो व्हाट यू डू इज द डिटॉक्सिफिकेशन। और वो क्या है, आपके आसपास जो जीवन है, ये जो कबीर सूत्र दे रहा है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं देखता हूं कि बहुत बार भजन करते करते उल्टे मन कठोर हो जाता है, आप अपमान करने लगते हैं, आप अवज्ञा करने लगते हैं, आप दूसरे को छोटा बताने लगते हैं, आप अवहेलना करने लगते हैं, चित्त में कठोरता आती है, चित्त द्रवित होना चाहिए भजन से। तो कोई आपको कोई नहीं सम्मान करता यदि आपकी भजन भावना का, अरे वो बेचारा जानता नहीं इसीलिए ऐसा कर रहा है, उसके प्रति क्रोध ना करिए। और दूसरी बात बाप, बिटर बट ट्रू, दिस इज बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ, आपको जो मिला है वो आपके कर्म से मिला है, आपके जीवन में जो आ रहा है वो आपकी संचित संपत्ति है, कोई आपको नहीं दे रहा। अगर ऐसे ही व्यक्ति का संग आपको मिला है तो ये आप ही का कृत कर्म है, उसको स्वीकार करिए। उसके प्रति मैला मन करके अपने कर्म के बंधन को और गाढ़ा मत करिए, ये दुविधा ये द्वंद और बढ़ाइए मत, और मत बढ़ाइए। कोई नहीं है इस सारे संसार में जो पीड़ित रहना चाहता हो। क्रोधी व्यक्ति किसी दूसरे को पीड़ा बाद में देता है, पहले वो स्वयं पीड़ित है। स्वस्थ व्यक्ति जो भीतर से स्वस्थ है वो क्रोध नहीं करेगा, जो भीतर से अस्वस्थ है वही पीड़ा पहुंचाता है किसी दूसरे को, जो भयभीत है वही किसी को डराता है धमकाता है, वो बेचारा भीतर से रुग्ण है रोगी है, रोगी पर क्रोध नहीं किया जाता। बहुत बार होता है रोग लंबा हो जाए तो व्यक्ति खींचने लगता है, भीतर की जो दुर्बलता होती है ना उसे खींच पैदा होती है, तो जो भीतर से बहुत दुर्बल है वो खींच पड़ता है, उस पर क्रोध ना करिए। दया राख धर्म को पाए, और फिर आप साधक हैं। जैसे कल मैंने कहा कि मुझसे कुछ माताएं पूछती हैं कि बच्चे को कैसे भजन में लगाएं, आपने एक व्यापार किया, आप 2 साल से व्यापार कर रहे हैं, ना तो आपके पास कोई आर्थिक
संपत्ति हुई, ना आपकी कोई उन्नति हुई। फटे पुराने वस्त्र आप पहनते हैं, टूटी हुई साइकिल पर आप चलते हैं, और आप अपने बालक से कहिए तू भी यही व्यापार कर, कहेगा तुमने क्या कमा लिया जो अब मुझे इसी में लगाते हो। आप अपने बालक को कहते हो भजन कर, अरे अब मैं क्या बताऊं, बहुत बार तो मैं देखता हूं हाथ में माला है और आप घर के नौकर पर चिल्ला रहे हो। आपका यह आचरण और व्यवहार देखकर कौन आपको आध्यात्मिक व्यक्ति कहेगा, और क्यों कोई आप से आकर्षित होकर भजन का वही पथ पकड़ेगा जो आपने पकड़ा है, जिस पर आपकी ये दुर्दशा हो रही है। आपका आपका आचरण, आप मिसाल बने, तब तो कोई आपको देखकर चले, तब तो कोई आपका अनुसरण और अनुगमन करे। इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो जीवन आपके आसपास है उस जीवन का आदर हो, रिस्पेक्ट लाइफ। आपका कंठ सूख रहा है, आपको यदि जल नहीं मिला तो आपके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, आप में चलने की सामर्थ्य नहीं है। सेठ जी आपकी तिजोरी में पड़े 5 करोड़ रुपए आपको पानी की 2 बूंद नहीं पिला सकते, आपको एक व्यक्ति चाहिए, आपको एक चेतना चाहिए, उसके लिए जीवन का आदर हो। अगर कोई मुझसे पूछे कैसे खबर पड़े कि जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूं वो भजन का मार्ग है, जिस मार्ग पर चलकर राह में पड़े पत्थर को भी ठोकर मारने का मन ना करे, तब समझना कि भजन का मार्ग है। जब राह में पड़े पत्थर को भी ठोकर मारने में आपको संकोच हो कि ये ईश्वर के अस्तित्व का एक कण है, वो पत्थर नहीं है, वो उसकी सृष्टि का एक कण है, उसका निरादर करने का अधिकार मुझे नहीं है। मैंने सदा कहा कि सबका आदर न कर सके चिंता की बात नहीं, पर निरादर ना हो। सब सो हित निष्कामति, यहां से प्रेम की गली में प्रवेश पाया जाता है। श्री वृंदावन विश्राम। और कल मैंने कहा था ना, देखता हूं मंदिर में मंगल से पहले दंगल होता है, बैठने के लिए झगड़ा हो रहा है, कौन आगे और कौन पीछे। वहां तो आपको ऐसे ऐसे मिल जाएंगे कई बार कि आप छू जाएं उन्हें तो उनका सारा भजन समाप्त हो जाए, उनके भजन की तरंगे समाप्त हो जाती हैं। जाने कौन सी क्वालिटी का भजन करते हैं भाई, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। हम छू नहीं जाएं, अरे मन दिन रात विषय को छूता है, मन दिन रात विषय का चिंतन करता है, और जिस घड़ी आप किसी से दूर भाग रहे हैं उसी घड़ी भेद का काला रंग आपको रंगे हुए है, और कहां दूर भागेंगे आप। पढ़ी नमाज ते लियाज न सिख्या, तेरिया किसकम पढ़िया नमाजा, इलम पढ़िया ते अमल न कीता, तेरिया किसकम दित्तिया वाजा। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, बुलिया मंदर ढा मसीता ढा, ढा जड़ा कुछ ढेंदा, पर कदे न ढावी दिल किसे दा, मेरा रब दिला विच रहिंदा। कहीं और हो ना हो, कैसे ठेस पहुंचा सकता है एक भजन करने वाला किसी के हृदय को, जिस हृदय में अंतर्यामी बैठा है, जिस हृदय में अंतर्यामी बैठा है। तो इसीलिए यहां आकर पहुंचे कबीर कि ना हरि रीझे बन बन डोले, और ना काया के जारे, और ना हरि रीझे जप तप साधे, ना पांचन को मारे। फिर पूछा किसी ने, भाई फिर करे क्या, दया राख धर्म को पाले, कीर्त करो और नाम जपो, यही जीव का एक एक आंतरिक धर्म है, एक एक बाहरी धर्म है, एक सामान्य धर्म है, एक विशेष धर्म है। विशेष धर्म यह है कि मैं मनुष्य हूं, अपने कल्याण के लिए इस संसार में आया हूं, नाम जपिए। और बाहरी धर्म है, सामान्य धर्म है, कीर्त करिए। और इन दोनों को मिलाकर जो मिले, भीतर और बाहर जो मिले, इन दोनों को मिलाकर जो मिले, महाराज कहते हैं वंड छकिए, उसको बांट कर पाइए, प्रसाद है उसका, गुरु प्रसाद। जैसे ही श्री गुरु नानक देव जी महाराज को प्रसाद मिला, प्रसाद मिलते ही बांट दिया संसार में, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल अमूरत अजूनी साईभं और गुरु प्रसाद। कुर्बान जाऊं सो वेला सुहावी जित,
द्वारे आया, नानक को प्रभु भय कृपाला, सतगुरु पूरा पाया, सतगुरु पूरा पाया। दोनों ओर से मिलेगा, तन की दौलत मन की दौलत, कुछ भीतर मिलेगा कुछ बाहर मिलेगा, जो बाहर मिले वो भी और जो भीतर मिले वो भी। वंड छकी है, दिन दिन बढ़त सवायो, ये संपत्ति ये धन और ये भावना ऐसी है। दाया राख धर्म को पाले, और फिर कबीर कहते हैं जग सो रहे उदासी। 10 मिनट हैं और ये बड़ा गंभीर सूत्र जो आज हम चर्चा कर पाए किंचित कबीर जी के पास बैठकर, विराम का क्षण है लेकिन आप थोड़े और सावधान हो जाना कि कबीर जी कहते दया करे धर्म को पाले और साथ में जोड़ दिया जगसु रहे उदासी। अब ये उदासी क्या है? ये उदासी वो नहीं कि जैसे आपकी श्रीमती आपसे नाराज है आप उदास हैं, वो उस उदासी की बात नहीं कर रहे। धंधा नहीं चला इसलिए आप उदास हैं। उदास का अर्थ ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। हमारे श्री ध्रुवदास जी कहते हैं जग सो भयो फिरे बैरागी, वृंदावन रस में अनुरागी। ये इसके लिए आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। द एडवांस स्टेज, शुरू करिए कहां से? दया राख धर्म को पाले और जगसो रहे उदासी। ये कबीर ने बिल्कुल मध्य में सूत्र दिया, फिर इसके आगे कबीर कहेंगे अपना सा जीव सबको जाने और सहज मिले अविनाशी, लेकिन ये मध्य में कबीर ने ये रख दिया जगसो रहे उदासी। यहां पर आपको सावधानी की अपेक्षा पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब ऐसी जीवन शैली आप अपनाएंगे तो क्या होगा, प्रकृति प्रसन्न होगी। किसान बोता तो गेहूं है लेकिन गेहूं के साथ साथ खरपतवार भी होती है, अगर वो समय रहते न काटी जाए तो वो गेहूं को ही समाप्त कर देती है। जब आप भजन करते हैं तो भजन के पथ पर भी कुछ ऐसा विशिष्ट उपहार प्रकृति आपको देती है कि संसार आपकी ओर आकर्षित होता है, लेकिन उस समय आप भूल न जाएं मेरा मुझ में कछु नहीं जो कछु है सो। कितनी सरल सी बात कहकर रहीम ने सारा मामला सुलझा दिया। देन हार कोई और है, भेजत जो दिन है, लोग भरम हम पर करे तासों नीचे ने। दिन हार कोई और है, जब प्रसन्नता का क्षण आए, जब प्रशंसा की घड़ी आए तो अछूते रहना, जग सो रहे उदासी तब आप अछूते रहना, और जब निंदा की बात आए, जब आप निंदा की बात आए फिर तो कबीर कहता है निंदक नीरे राखिए और आंगन कुटी छवाए। पर मूल बात, मूल जो अर्थ है इस भाव का कि दया राख धर्म को पाले जगसु रहे उदासी, उदास अर्थात ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। श्रीमद् भागवत भी कहती है दूरम उपाय, संसार में रहकर स्वयं को साधने की एक युक्ति है दूरम उपाय, एक निश्चित दूरी बनाकर रखिए संसार से। जाड़ा लगता हो तो लोग आग तापते हैं लेकिन एक नियत दूरी रखनी पड़ती है आग से। बहुत ज्यादा प्रेम दिखाओ अग्नि से फिर अग्नि प्रेम करने लगती है, और आप तो छोड़ देते हो अग्नि को, वो नहीं छोड़ती। ऐसे ही बहुत लाड़ करोगे संसार से तो फिर संसार प्रेम करने लगेगा, आप छोड़ दोगे फिर संसार नहीं छोड़ता, फिर तो लगे लोग महाराज जी के पीछे, छुड़ाए छूटता नहीं फिर संसार। व्यास जी कहते हैं व्यास बढ़ाई लोक की, संसार जो देता है मान सम्मान प्रशंसा प्रतिष्ठा, तो कहते व्यास बढ़ाई लोक की, और कुकर
कुकर की पहचान। व्यास बढ़ाई लोक की कुकर की पहचान, प्यार किए मुख चाटी है और बैर किए तन हान। जैसे कुकर है ना, अब प्यार करो तो मुख चाटता है, बैर करो तो काटता है। एक ही युक्ति है, दूर रहिए। जैसे एक बड़ी विद्वान महिला ने मुझसे बंबई में पूछा, आप कुत्ते के लिए बोल रहे थे, कुत्ते में भगवान नहीं होते क्या? तो मैंने कहा, जिस दिन, कल भी शायद मैंने आपको कहा था, मैंने उसे उत्तर यही दिया, मैंने कहा जिस दिन हाथ में जूता पहनना, पैर से खाना खाना, उस दिन पूछना मुझसे आकर। हाथ में भी भगवान होते, पैर में भी भगवान होते। हाथ से हाथ का काम लिया जाता है, पैर से पैर का लिया जाता है। चौकीदार को द्वार पर रखा जाता है, देवता को मंदिर में बैठाया जाता है। सबका अपना अपना एक स्थान है, ऐसे आपका भी अपना एक स्थान है। पर शास्त्र की बात अगर मैं कहूं तो शास्त्र ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि जिस घर में ये व्यवस्था होती है, उस घर का भविष्य देवता कभी ग्रहण नहीं करते। ये शास्त्र की आज्ञा है, इसमें मेरा कोई विचार नहीं है। तो व्यास जी ने उदाहरण दिया, कुकर बेचारा आ ही जाता है कथा में, कहीं से घुस जाते हैं ना, यहां वहां से जहां जगह मिले वो भी आ जाता है कथा में। तो प्यार किए मुख चाटी है, प्यार करोगे तो मुख चाटेगा और बैर करोगे तो काटेगा। तो क्या किया जाए? बोले दूर रहा जाए। बस यही कबीर ने कहा, जगसु रहे उदासी, दया राख, धर्म को पाले। यू आर डूइंग समथिंग गुड फॉर समवन, दिस इज नॉट बिटवीन यू एंड द अदर पर्सन, दिस इज बिटवीन यू एंड हिम। सत्कर्म प्रभु को दृष्टि में रखकर करिए। तीर्थ व्रत को नहीं अंदेशा, तुम्हारे चरण तुम्हर का भरोसा, जहां जहां आप ये विचार मत करना कि इस जीवन शैली को अपनाने में आपको कितने महीने या दिन या वर्ष लगेंगे। इसी क्षण से हो सकता है, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको केवल मानना है। कन्या ब्याह कर जाती है पति के घर, बस मान लेती है, मानती ही तो है कि पति है। कुछ एक व्यवस्था ऐसी है जिससे वो जो मान्यता है वो स्वीकृत हो जाती है, समझ में आ जाती है, मान लेती है बस। और पति के सब नाते अपने हो जाते हैं, पति के सब संबंध अपने संबंध हो जाते हैं। सेवा होती है, व्यवहार होता है। चलो सेवा वेवा तो क्या होती है, पर व्यवहार तो होता है ना। सेवा तो कौन करता है, व्यवहार हो जाता है, लेकिन व्यवहार का निर्वाह हो ही जाता है। ऐसे ही जिस घड़ी जीव मान लेता है, मान ले कि मैं प्रभु का हूं। मैंने कहा ना, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आप राह चलते हो, पैर से ठोकर लगाते हो राह में पड़े एक पत्थर को, भक्त का हृदय तो इतना भी स्वीकार नहीं करता। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। मैंने कहा ना, हृदय से स्वार्थ जैसे जैसे जाएगा, करुणा का जन्म होगा, आपके भीतर करुणा फूटेगी, एक स्रोत फूटेगा। जब जब धरती से एक झरना फूटकर बहता है तो जल कहीं आता नहीं, वो भीतर ही है, बस वो धरती की कठोरता उसको बाहर आने नहीं देती। फिर एक समय जल का प्रवाह ऐसा होता है, वो विवश कर देता है धरती को हट जाने के लिए, मार्ग देने के लिए, और जल का वो निर्मल स्रोत फूट पड़ता है। ऐसे ही सारे ईश्वरीय गुण आपके भीतर हैं, लेकिन वो जो संसार की जो जड़ता है, संसार के संस्पर्श जन्य जो जड़ता है, उससे वो कठोरता, वो आवरण पड़ा है, आ नहीं पाती वो भीतर की करुणा, वो श्रद्धा, वो विश्वास, वो प्रेम, वो दया, वो तितिक्षा, वो सहनशीलता जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है। कल भी कहा था मैंने कि फर्श से और ताअर्श तक तरक्की होती है जरूर, फर्श से ताअर्श तक तरक्की होती है जरूर, वो तुझे फरिश्ता भी बनाएगा, इंसान तो बन। कुछ कुछ मनुष्य के गुण होते हैं भाई, हाथ पैर और नाक कान होने से कोई मनुष्य नहीं होता, कुछ मानवीय गुण भी होते हैं।
दीन पर दया हो, हीन पर करुणा हो, समता का भाव तो आते आते आता है जब ममता भगवान से होती है। तुलसी ममता राम से, समता सब संसार। एंड डिवोशन इज अ जेंटल प्रोसेस, वो बहुत खींचतान नहीं करेगी, बड़े प्रेम से सहज सहज हटाकर विषय पंख को धीरे धीरे और प्रिया लाल के प्रेम सर में नवाया, हटाकर विषय पंख को धीरे धीरे। डिवोशन इज अ वेरी जेंटल प्रोसेस। इश्क, इश्क बहुत मासूम, बहुत मासूम है गालिब, अकल का बोझ उठा नहीं सकता, बहुत मासूम। ऐसी भक्ति अत्यंत सुकुमार, बस वो स्पर्श करेगी आपका, गोद में लेगी आपको, और जब मैला कुचैला हो जाता है बालक, कैसे माँ बड़े लाड़ और दुलार से उसके तन का मैल दूर करती है, ऐसी जैसी जीव बैठता है भक्ति की गोद में बड़े लाड़ और दुलार से। इसीलिए कल मैंने कहा था, भक्ति सताती नहीं किसी को, सजाती है, श्रृंगार करती है। सताने के लिए नहीं है भक्ति, एक टांग पर खड़े हो, धुनी ताप रहे हो और पानी में खड़े हो, ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया। अरे क्रोध ना छोड़ा, लोभ न छोड़ा, हरि का भजन क्यों छोड़ दिया। और फिर कबीर तो हंस देता है, रे अब धू माया तजी न जा, रे अब धू माया तजी न जा, ना हरि रीझे जप तप किए, ना हरि रीझे जप तप किए, ना काया खोजा रे, ना काया खोजा रे, ना हरि रीझे बन बन डोले, 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 ना पाचन को मारे, ना पाचन को मारे, ना पाचन को मारे, ना पाचन को मारे। दया राख धर्म को पाले, दया राख धर्म को पाले। जग सो रहे उदासी, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, सहज मिले अविनाशी, सहज मिले अविनाशी, सहज मिले अविनाशी, सहज मिले अविनाशी। जब मैं भूला रे भाई, जब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत बताई, सतगुरु जुगत बताई, मेरे सतगुरु जुगत बताई, सतगुरु जुगत बताई, सतगुरु जुगत नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, 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 और चढ़ी छिन छिन चढ़ उतरे, और चढ़ी छिन छिन चढ़ उतरे। Thank you.
आज का भाव इसी उल्लास और आनंद से श्री युगलपाद पद्मों में निवेदन करते हुए, आचार्य की कृपा का स्मरण करते हुए, आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूँ।